शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको देंगे, जहां आज मतदाताओं की सूची जारी होगी और आज पता चलेगा कि कितने मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस भाजपा में बैठकों का दौर आज भी जारी रहेगा। राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, प्रत्याशियों के चयन किस हिसाब से करना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन इस बीच सबसे अहम कि यहां पर मतदाताओं की सूची आज जारी की जाएगी, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच खींचातान इस वक्त मची हुई है। शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। इस बीच भाजपा और कांग्रेस में बैठकों का दौर भी जारी है, लगातार राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है इसको लेकर चर्चा हो रही है, प्रत्याशियों के चयन को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों में चर्चाओं का बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इस बीच मतदाताओं की सूची भी आज जारी होनी है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, और इसी को लेकर लगातार भाजपा भी कांग्रेस पर आरोप लगा चुकी है। और आज क्योंकि मतदाताओं की सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो जाएगी। शिमला नगर निगम चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 2 मई को मतदान है, 4 मई को नतीजे आएंगे, और राज्य निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि 6 मई तक ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। राजेंद्र हमारे सहयोगी सीधे हमसे जुड़ चुके हैं, राजेंद्र का रुख करेंगे। राजेंद्र, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज मतदाताओं की सूची जारी होनी है, और इसी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में एक खींचातान भी मची हुई है, क्योंकि भाजपा आरोप लगा रही है कि कुछ वोटर्स को एक्स्ट्रा जोड़ा गया है नियमों के खिलाफ, और कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा को हार का डर है, इस वजह से ये तथ्यहीन आरोप भाजपा लगा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण होगा यहां पर मतदाताओं की सूची कितने बजे जारी होगी, क्या कुछ अतिरिक्त जानकारियां राजेंद्र? जैस्मीन, अभी सूची कंपाइल होने के बाद, जैसे ही सूची कंपाइल हो पाएगी उसके बाद सूची जारी होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में अप्लाई मतदाताओं ने वोट बनाने के लिए नगर निगम शिमला के क्षेत्र में किया है, तो ऐसे में संख्या मतदाताओं की बहुत है। अब ये देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी कि कितने मतदाता इस बार और ऐड हुए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में वोट बने हैं, और भाजपा की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मंत्रियों के सरकारी आवासों और विधायकों के सरकारी आवासों के पते पर बड़ी संख्या में वोट बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ धार्मिक स्थानों का भी भाजपा की तरफ से जिक्र किया गया कि उनके पते के आधार पर भी वोट बनाए गए हैं। तो ऐसे में शुरुआत से भाजपा ने जो रुख अख्तियार किया है वोट को लेकर, और जो रिजर्वेशन रोस्टर है उसको लेकर भी आपत्ति भाजपा की तरफ से दर्ज की गई है। लेकिन इस सब के बीच में जो इलेक्शन की प्रोसेस है वो लगातार जारी है, कांग्रेस की तरफ से भी मंथन लगातार जारी है। कल बड़ी बैठक कांग्रेस की हुई और ये निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार से 10 गारंटियां विधानसभा चुनावों में जारी की गई थी, उसी प्रकार से 10 गारंटियां नगर निगम चुनावों में भी जारी करेंगे, और शिमला शहर की समस्याएं और लोगों की डिमांड्स के ऊपर एक गारंटियां होगी। एक कमेटी का गठन इसके लिए विशेष रूप से किया गया है, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और स्थानीय मंत्री रोहित ठाकुर भी इस कमेटी में मौजूद रहेंगे। ये कमेटी अब निर्णय लेगी और पूर्व पार्षदों और पूर्व विधायकों तमाम लोगों से डिस्कस करने के बाद 10 गारंटियां कांग्रेस जल्द ही जारी कर सकती है, और दोबारा से उसी पैटर्न पर काम कांग्रेस कर रही है जिस पैटर्न पर विधानसभा चुनावों में हुआ था। इसके अलावा एक और बैठक कांग्रेस की पिछले कल शाम को हुई, काफी लंबी ये बैठक चली, जिसमें ये निर्णय, जिसमें स्क्रीनिंग की गई जो आवेदन आए हैं, और उनमें लगभग ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 10 से 12 नाम ऐसे हैं जो लगभग क्लियर हैं, जहां पर किसी दूसरे नाम के ऊपर चर्चा नहीं हुई है। तो अब कांग्रेस को 20 या 22 नाम ऐसे हैं जिन पे डिस्कस होगा और जो स्क्रीनिंग कमेटी के पास नाम जाएंगे, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही है कि 10 से 12 नाम कांग्रेस के तय हो गए हैं। वहीं भाजपा की तरफ से भी बैठकों का दौर लगातार जारी है, कमेटी का गठन किया गया है उम्मीदवारों के चयन को लेकर। हालांकि भाजपा की तरफ से आवेदन नहीं मांगे गए हैं किसी भी प्रत्याशी की तरफ से, भाजपा खुद सिलेक्ट करेगी उम्मीदवारों को, और 12 तारीख को बात कही गई है कि सभी 34 वार्डों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भाजपा की तरफ से कर दी गई है। और कल जिस प्रकार हमने मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान से बात की थी, तो उन्होंने भी यही बताया था कि 12 तारीख शाम तक या फिर 13 तारीख सुबह को कांग्रेस की तरफ से भी लिस्ट जारी कर दी गई है। लेकिन जिस प्रकार से प्रोसेस कांग्रेस की चली है, तो हो सकता है कि एक लिस्ट इससे पहले कांग्रेस जारी कर दे 12 तारीख सुबह या 11 तारीख शाम को, अब ये देखना होगा। लेकिन दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से हलचल तेज हो गई है, प्रत्याशी वार्ड वार्ड घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अब ये देखना होगा, सबसे बड़ी बात यही है कि
बागियों का, कितने बागियों का सामना किस राजनीतिक दल को करना पड़ रहा है, क्योंकि वोटों की संख्या कम होती बिल्कुल, है। बिल्कुल राजेंद्र, लेकिन इन सब के ऊपर जो महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात ये है कि आज जब सूची कंपाइल हो जाएगी उसके बाद मतदाताओं की सूची आनी है, जिसका इंतजार सब कर रहे हैं। नजर आप बना के रखिए। राजेंद्र जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत